साथी मिशन फाउंडेशन के तत्वाधान में कोरोना योद्धा सम्मान समारोह का आयोजन आगरा में किया गया। इस सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि विशेष सचिव उत्तर प्रदेश IAS धीरेन्द्र सिंह सचान, मुख्य वक्ता पूर्व MLC राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती, भारतीय पत्रकार महासंघ के अध्यक्ष RBS पुष्कर सहित अन्य जिलों से आए साथी मिशन के पदाधिकारियों ने उपस्थिति दर्ज कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम का शुभारंभ संविधान की प्रस्तावना पर पुष्प अर्पित कर किया गया। कोरोना योद्धा सम्मान समारोह में समाजसेवी डॉक्टर्स और पत्रकारों का सम्मान कोरोना योद्धा सम्मान पत्र देकर किया गया। सम्मान समारोह में आए अतिथियों का संविधान की प्रस्तावना पत्र देकर उनके कार्य और मेहनत को प्रोत्साहित कर मानव सेवा के लिए उनकी प्रशंसा की। साथी मिशन फाउंडेशन द्वारा आयोजित सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि धीरेन्द्र सिंह सचान IAS विशेष सचिव उत्तर प्रदेश सरकार ने साथी मिशन फाउंडेशन की प्रशंसा करते हुए बताया कि संविधान का पालन करने और भगवान बौद्ध के रास्ते पर चलने से ही देश का समग्र विकास हो सकता है। समाज में फैली रूढ़िवादी विचारधारा और अंधविश्वास से छुटकारा पाना होगा। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता पूर्व MLC राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती ने सम्मान समारोह की तारीफ करते हुए मानव के दुख में काम आने की सच्ची सेवा बताया। साथी मिशन के सौजन्य से कोरोना वॉरियर्स को आज सम्मानित किया गया है और ये भाव इसलिए आया क्योंकि जान जोखिम में डाल करके इतनी बड़ी ऐतिहासिक आपदा में जिन्होंने रिस्क लेकर के काम किया है, न सिर्फ अपने रिस्क, अपने परिवार को भी रिस्क में रख करके, लेकिन अपनी ड्यूटी को प्रथम माना है। साथी मिशन उनका धन्यवाद कहता है, बधाई देता है, आभार प्रकट करता है, इस जज्बे को सलाम करता है। इस तरह का जज्बा आगे और लोगों में आए इसलिए सम्मान की परंपरा होनी चाहिए, उनको पहचान मिलनी चाहिए। साथी मिशन के कुछ अपने उद्देश्य हैं, वो देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट के आधार पे जैसे डॉक्टर्स ने कोरोना को ठीक किया बिना भेदभाव का, इस तरह का देश को बढ़ाने के लिए, बराबरी की बात करने के लिए, देश पुनः सर्वोच्च स्थान पे, जो देश एक बार सम्राट अशोक के टाइम में सर्वोच्च स्थान में रहा है, उस तरह के स्थान में पुनः उसको पहुंचाने के लिए जो जो चीज़ें करनी चाहिए, जो समस्याएं हमको रोकती हैं वहां तक पहुंचने के लिए, उन सब से ऊपर उठ करके ऐसा भारत का निर्माण किया जाए जिसमें सब बराबर हो, साइंटिफिक टेम्परामेंट को जग बढ़ावा देते हुए बेस्ट यूज ऑफ एवरीवन, जितने नागरिक हैं उनके रिसोर्सेस, उनके योग्यता, उनके बौद्धिक, उनके शारीरिक, जब सबका बेस्ट यूसेज होगा इस कंट्री को टॉप पे ले जाने में कोई नहीं रोक सकेगा। इसी तरह का संकल्प है कि वो स्थान हासिल करें हमारे लिए, राष्ट्र को, भारत देश को हम लोग टॉप पे देखना चाहते हैं और जो बुराइयां हैं उनसे हट करके उनको दूर करते हुए उसको उस गौरव तक ले जाने की चेष्टा है। सबसे आगे आड़े आता है ऐसी चीज़ों को रोकने का, तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए जो अंधविश्वास से दूर नहीं जा पाते? जागृति फैलाइए और साइंटिफिक टेम्परामेंट यही है, अगर कोई अंधविश्वास कर रहा है तो उसको कुछ उदाहरण पेश करिए, उसी के जीवन में जो अंधविश्वास के कारण क्या उसने कुछ हासिल किया वास्तव में, इस तरह का आईना दिखाइए उसको अपने आप से, शायद अंतर मन से जब आदमी समझ जाएगा खुद ब खुद दूर हो जाएगा। इसमें कोई किसी को बुरा भला कह करके किसी कटाक्ष करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप से स्वतः ही जागृति फैला करके लॉजिकली प्रूफ करके आप किसी को भी आप समझा सकते हैं। फाउंडेशन के द्वारा कोरोना योद्धाओं का जो सम्मान किया गया है आज, उसके लिए मैं साथी मिशन फाउंडेशन के सभी ऑर्गेनाइजर साथियों को, खास करके हमारे जिले के संयोजक पुष्कर जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और इसका जो मकसद है, इसका मकसद यह है कि एक इंसान दूसरे इंसान के काम आ सके, दुख की घड़ी में एक मानव दूसरे मानव के काम आया, उसको ये सम्मान देकर एहसास कराया गया है कि भाई तुमने अपना जीवन अपने लिए नहीं, कोरोना जैसी महामारी, भयंकर बीमारी में आपने अपना जीवन
दूसरों के लिए भी इस्तेमाल किया है, इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और ये नैतिकता जो होती है मनुष्य के अंदर, जिसका हमारे देश में बड़े पैमाने पर ह्रास हो रहा है या नैतिकता खत्म होती जा रही है, धन के लालच में, दौलत के लालच में लोग अपनी जिम्मेदारी से विमुख होकर धन कमाने में लगे हुए हैं, तो इस घड़ी में साथी मिशन फाउंडेशन के माध्यम से और खास करके आज हमारे जो चीफ गेस्ट हैं धीरेंद्र सिंह सचान साहब वरिष्ठ IAS, उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाला, डॉक्टर बीके सिंह साहब ने, हमारे सभी अतिथियों ने समय निकालकर ये मैसेज दिया है, ये संदेश दिया है कि जो सबसे छोटे लेवल का व्यक्ति है, जैसे स्वीपर, सफाई कर्मचारी, नर्सिंग स्टाफ और हॉस्पिटल का दूसरा स्टाफ, जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर, अपने परिवार की जान जोखिम में डालकर, तो कोरोना में एक योद्धा की तरह उन्होंने काम किया और हजारों हजारों लोगों को उनकी जान बचाई, तो उनको सम्मान देकर, उनका सम्मान करके, उनको इक्वलिटी में शामिल करने का, बराबरी में शामिल करने का काम साथी मिशन फाउंडेशन ने किया है, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज के कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य यही रहा है, इस COVID-19 जो आपदा चली है, जो हमारे लोगों ने निस्वार्थ भाव से जो योद्धा निकले हैं कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए, उनके लिए हमारे ये मिशन का ये ख्याल आया क्यों ना हम इनका सम्मान करें, इसीलिए इसी कड़ी में हमने आज का ये सम्मान समारोह रखा, जिसमें आप सभी पत्रकार बंधु को भी आमंत्रित किया गया, क्योंकि आप लोगों ने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की इस लड़ाई में, इस आपदा काल में, आपके जज्बे को हम सलाम करते हैं। साथ ही हमारे चिकित्सा क्षेत्र में हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सिंग स्टाफ, हमारे मिडवाइफरी स्टाफ, यहाँ तक कि हमारे बेचारे स्वच्छकार हैं, उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, हम लोग उनको भी नमन करते हैं, उनको कार्य को नमन करते हैं। और इन्हीं सब बातों को देखते हुए हमारे मिशन के अलमदारों के मन में ख्याल आया कि हम लोगों को आगे आकर के अपने इन योद्धाओं का सम्मान करना चाहिए, उन्हीं बातों को लेकर के हमने ये छोटा सा प्रयास किया है।